गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम्स, कॉन्सेंट्रेशन सेल, कोरोजन। तो लास्ट क्लास में मैंने नस्ट इक्वेशन पढ़ाई थी और नस्ट इक्वेशन के बाद में मैंने कॉन्सेंट्रेशन सेल की कुछ चीजें ओरल बताई थी, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कॉन्सेंट्रेशन सेल होता क्या। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, जिस सेल में दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम हो उसको हम कॉन्सेंट्रेशन सेल बोलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सेम होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज नहीं करते हैं। तो जो कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा उसमें दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो सेम होंगे, क्लियर। कॉन्सेंट्रेशन सेल में दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम होंगे, तो जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों ही सेल के सेम होंगे तो ई सेल हमेशा जीरो होगा। कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल हमेशा जीरो होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसको हम कैथोड मानेंगे और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसको हम एनोड मानेंगे। जैसे वो कहे 1M और 2M कॉपर सल्फेट को मिलाकर हमने एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाया, तो 2M वाला कॉपर सल्फेट ऑटोमेटिकली कैथोड बन जाएगा और 1M वाला कॉपर सल्फेट ऑटोमेटिकली एनोड बन जाएगा, क्लियर। तो हमने यहां पर ये दो बातें सीखी हैं। कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेम होंगे लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगा, एक बात। नंबर टू, कॉन्सेंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल हमेशा जीरो होगा क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही मेटल के हैं, तो उनका ई नॉट रिडक्शन सेम होगा। तो कैथोड में से एनोड को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन ये है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन और यहां हो जाएगा लॉग ऊपर प्रोडक्ट की पावर मोल और नीचे रिएक्टेंट की पावर मोल। अब हमने एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाया जिसमें हमने कॉपर और कॉपर सल्फेट को मिला, डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज की लगा दी, ठीक है ना। फिर हमने इधर कॉपर सल्फेट लिया और उसी को कॉपर में कन्वर्ट। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका कॉन्सेंट्रेशन 1M लिया और इसका कॉन्सेंट्रेशन 2M लिया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केवल, क्लियर। अब क्योंकि इसका ये तो जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा तो खत्म हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या रह गई, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 एन लॉग ऊपर आएगा हमारा प्रोडक्ट की पावर मोल और नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट की पावर मोल। अब ध्यान से देखना, ये कैथोड की रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन है और ये कैथोड की रिएक्शन। हमेशा हम प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इधर ये सॉलिड है और ये सॉलिड। तो ये जो कॉपर प्लस टू है मैं यहां से लिखना शुरू कर रहा हूं नेगेटिव 0.0591 एन लॉग, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ये तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखते नहीं, क्लियर। तो अब ये कॉपर प्लस टू हमने ऊपर लिखा और आपकी कन्वीनियंस के लिए ब्रैकेट में लिख दिया है कि ये एनोड वाला है। अब इधर आ गए, ये तो कैंसिल हो ही गया, ये कॉपर प्लस टू कैथोड वाला है, क्लियर, ब्रैकेट में बंद। अब लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, अगर मैं इसे ऊपर करूं कैथोड को ऊपर और एनोड को नीचे, तो जो ये नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में बदल जाए, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, क्लियर। तो अब इक्वेशन हमारी क्या हो गई, ई सेल
इज इक्वल टू 0.0591 n. n कितना होगा? इस कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और इसने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए. दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, इसलिए n की वैल्यू 2 हो जाए log. क्योंकि मैंने इसको रिवर्ट किया है तो ये माइनस से प्लस हो गया. तो कॉपर प्लस 2 ऊपर कैथोड वाला आ गया और नीचे कॉपर प्लस 2 एनोड वाला आ जाए. इसमें हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.5912 log. अगर मैं 1m लेकर क्वेश्चन करता हूं तो हम 1m ही लग देंगे, ठीक है ना. अगर हमने दूसरी वैल्यू रखी तो वो रख देंगे. तो देखो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन कितना 2 और ये 1. log 2 होता है 0.3010 और log 10. तो 0.05912 into 0.3010 ये इसका ई सेल आ जाए. क्लियर है? हम आगे बढ़ सकते. तो जब भी कॉन्सेंट्रेशन सेल का क्वेश्चन आए तो ऐसे लिख लो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. यहां पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हमने एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाया, जिनकी पीएच, इसमें से एक एनएच की पीएच 3 है और एक एनएच की पीएच 6 है. हमने एक दो एनएच को मिलकर एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बनाया जिसमें से एक एनएच में हाइड्रोजन की पीएच 3 है और दूसरे हाइड्रोजन की पीएच 6 है. तो क्या आप बता सकते हैं इसमें से कौन कैथोड होगा? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है हम उसको कैथोड लेते हैं. कुछ बच्चे 6 को देखकर फंस सकते हैं पर कॉन्सेंट्रेशन ये ज्यादा है तो ये कैथोड का काम करे और ये एनोड का काम करेगा. क्लियर? दोनों तरफ ही हाइड्रोजन का प्रेशर 180 m लिया है क्वेश्चन को थोड़ा आसान रखने के लिए. अब देखना ये क्वेश्चन कहां होगी. ये वाली रिएक्शन एनोड पर होगी और ये वाली रिएक्शन कैथोड पर होगी, क्योंकि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है. तो जब हम इसकी ई सेल वाली इक्वेशन को लिखेंगे -0.0591 n की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया log. अब ध्यान से देख लेना भैया, ये जो H प्लस है वो प्रोडक्ट साइड में है तो ऊपर आएगा, मतलब ये वाला H प्लस एनोड का है और ये वाला H प्लस कैथोड का, ये वाला एच प्लस कैथोड का, ठीक है. तो हम वापस से देख लेते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा. क्लियर? यहां पर हम इसकी रेस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को रख देंगे पर हमको पीएच भी पीएच से वापस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो या हम ऐसा कर सकते हैं जब इसको रिवर्ट करेंगे तो ये ऊपर और नीचे आ जाएंगे और log H प्लस जो होता है ये हमने गलती से कभी 11th में डेफिनेट पढ़ा होगा कि ये pH के बराबर होता है. तो हम डायरेक्ट pH भी रख सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन pH 3 का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ होगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन -6 होगा. तो यहां पर तो मैं एनोड में तो -6 रख दूंगा, यहां पर रख दूंगा -3 और फिर सॉल्व करने से हमें कॉन्सेंट्रेशन सेल का क्वेश्चन या जो भी है वो पता लग जाएगा. हम बढ़े आगे. तो हमने कॉन्सेंट्रेशन सेल को डिस्कस कर लिया है. अब हम डिस्कस करेंगे दो प्रॉन. लास्ट क्लास में मैंने आपको
डेल्टा जी के कुछ रिलेशन बताए थे और केसी से रिलेशन बताए थे और वो रिलेशन हमारे ये थे, ठीक है ना। तो कौन सा रिलेशन था? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सर। दूसरा रिलेशन था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग केस। तीसरा रिलेशन था ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 एन लॉग केस। ये तीन फॉर्मूले और एक फॉर्मूला ये नेक्स्ट इक्वेशन का, इनके बिना कभी भी बोर्ड का या नीट का या जेई का पेपर तैयार ही नहीं हुआ है। क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूले डेफिनेट आने ही चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप सीख लो, जिससे हमको मिलेंगे बढ़िया नंबर एग्जाम। क्लियर? हमारे पास क्वेश्चन है ये कि जिंक जिंक प्लस टू और कॉपर प्लस टू कॉपर के ई नॉट सेल की वैल्यू 1.10 वोल्ट, तो इसकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या हो? डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को लूंगा। इस इक्वेशन में एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। एन बैलेंस है, अगर ये बैलेंस नहीं होता तो पहले मैं एन को बैलेंस करूं। तो एन बराबर हो गया 2। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू इस उम्र में सबको आती ही आती है 96500 और ई नॉट इतने वोल्ट। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये अप्रोक्स 212000, ठीक है ना, माइनस जूल आ जाएगा। और किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो -212 किलो जूल आंसर। आप इसको फटाफट कॉपी मार लो और हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करने के, जिसमें हम E नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे केसी से, या केसी कैलकुलेट करेंगे हम उससे। हमारे पास क्वेश्चन है ये कि कॉपर का हमने एनोड बनाया और सिल्वर का कैथोड बनाया, इसके ई नॉट सेल की वैल्यू 0.46 वोल्ट, जो वो आपको डायरेक्ट भी दे सकता है या आपको निकालनी भी पड़ सकती। अब वो कहता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और केसी में ये रिलेशन, इस रिलेशन को हम यहां लिखेंगे। इस रिलेशन खाली फॉर्मूला लिखने से हमें बोर्ड के एग्जाम में आधा मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर? अब ई नॉट सेल की वैल्यू 0.46 0.0591 एज इट इज आ जाएगा। एन की वैल्यू 2 होगी, यहां कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकिन दिए और लिए हुए इलेक्ट्रॉन की नंबर बराबर होनी चाहिए। अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते तो इस एजी को 2 से मल्टीप्लाई करते और फिर वैल्यू उठते, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी और ये हमारा हो जाएगा लॉग केसी, लॉग केसी। अब हमको केसी निकालना है भैया, लॉग केसी निकालना है, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे, तो लॉग केसी बराबर हो जाएगा 0.46 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.059। इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड किया, तो वैल्यू आ गई 15.6। अब क्योंकि केसी के साथ में लॉग है तो हमें उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग 15.6 होगा।
अब बच्चों की प्रॉब्लम ये आई कि एंटीलॉग लेना ही नहीं आता, तो एंटीलॉग कैसे लेते हैं ध्यान से देखना। जो डेसिमल से पहले 15 है वो पावर में चला जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी 10^15। और 0.60 की वैल्यू एंटीलॉग टेबल से देखेंगे। अब हमको डायरेक्ट एंटीलॉग टेबल मिलती नहीं है, तो या तो हमें एंटीलॉग टेबल मांगनी पड़ेगी, और अगर नहीं मांगते तो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। लॉग जिसका भी निकालें, जैसे 40 का लॉग निकालें 40 का, तो उसमें 20 जोड़ दो तो अप्रोक्स 60 हो गया, तो 0.6 होगा। ऐसे ही अगर 0.6 का एंटीलॉग लेंगे 60 का, तो वो 20 कम हो जाएगा। और ऐसा रूल 3 से लेकर 7 तक अप्लाइड होता है, इसके बाद वैल्यूज में डिफरेंस कम होने लगता है। तो 0.6 का एंटीलॉग अप्रोक्स 4 के आसपास होगा, जो हम उसमें से वैल्यू देख लेंगे। तो इसका एंटीलॉग हो जाएगा 10^15, और इधर मैंने एक लमसम वैल्यू लिख दी, और यहां एक छोड़कर डेसिमल लगा दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्स, वैसे 60 का लॉग होता है 3925, तो डेसिमल लगाया तो 0.39 आंसर आ जाएगा। इस तरह हम ई नॉट सेल की हेल्प से कैसे निकाल सकते। हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली जेई और नीट की हायर प्रॉब्लम में काम आता है, और वो ये है कि ई नॉट सेल में और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश करें। किसमें रिलेशन करना है, हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ई नॉट सेल में और केएसपी। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो ऐसी, एजी कन्वर्ट इनटू AgCl, यहां पर उसने Cl इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड की कहानी, और जो Ag है वो Ag में कन्वर्ट, मतलब इसमें Ag का ही ऑक्सीडेशन हुआ है और Ag का ही रिडक्शन हुआ है। तो जो एनोड पे रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एनोड पे रिएक्शन होगी Ag सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट Cl माइनस से रिएक्ट करके AgCl सॉलिड बना, जबकि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड की जो रिएक्शन होगी वो ये होगी, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag में कन्वर्ट होगा। क्लियर, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें तो हमको ओवरऑल इक्वेशन ये मिलेगी, Ag प्लस Cl माइनस रिवर्सिबल साइन AgCl सॉलिड। नेक्स्ट इक्वेशन में हम कभी भी सॉलिड को लिखते ही नहीं है, तो AgCl का कॉन्सेंट्रेशन 1m मानकर हम हटा देंगे। तो जब हम इसकी नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन में इसका ई सेल तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन या सेम टाइप का इलेक्ट्रोड है, दोनों तरफ ही मेटल के इलेक्ट्रोड, तो ई सेल इक्विलिब्रियम पे 0 हो जाएगा। तो ई नॉट इज इक्वल टू 0.591 एन लॉग, और ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होगी कि माइनस कहाँ गया, जब मैंने इस वाली वैल्यू को इधर लाया तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब ध्यान से देखना, प्रोडक्ट तो इसमें है ही नहीं, और एन कितना है 1, तो एन तो रख दिया 1 लॉग, ऊपर 1 आ जाएगा और दोनों ही रिएक्टेंट हैं जो नीचे। अब हमको जाना पड़ेगा 11th क्लास में जब हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में सीखा था
तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgCl का आयंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस Ag और Cl की जगह पर Ksp की वैल्यू पुट कर सकता, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.591 n1 log Ksp, ठीक है ना। तो हम यहां पर Ksp की वैल्यू को पुट कर कर इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको सिर्फ मैथमेटिकल इनटू करना रह गया है, और भैया अगर आपको इनटू करना नहीं आता तो फिर ये प्रॉब्लम आपके बस की नहीं है और आप इससे दूर रहे, कोई फायदा नहीं है। ज्यादा टफ पढ़ने के चक्कर में हम आसान चीजें भी भूल जाते हैं। तो ये थी Ksp या इक्विबिलियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इस तरह हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते। हम चलेंगे अब नया टॉपिक पढ़ने, और उस नए टॉपिक का नाम है कोरोजन। कोरोजन 10th क्लास में भी है, 11th में भी आता है, और 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है। कोरोजन का मींस होता है कि मेटल किसी भी तरीके से टूट जाए, चाहे हथौड़ा मार के तोड़े तो मैकेनिकल कोरोजन, किसी गैस या किसी लिक्विड से रिएक्शन करके कहें तो केमिकल कोरोजन। तो कुल मिलाकर किसी भी तरीके से अगर कोई मेटल डिकम्पोज होती है तो हम इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। हमने डेली लाइफ में ये नोटिस किया है कि अगर हम सिल्वर के आर्टिकल को या सिल्वर की कोई रिंग को या सिल्वर के किसी भी वस्तु को एयर में खुला छोड़ दें तो एजी के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, चांदी काली पड़ जाती है, क्योंकि सिल्वर का कोरोजन हो जाता है। तो इस कोरोजन में जो सब्सटेंस बनता है वो होता है Ag2S। तो सिल्वर काली पड़ गई, किसकी वजह से काली पड़ी? सिल्वर काली पड़ी Ag2S की वजह से। ये जीके टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर हम कॉपर के आर्टिकल में, बर्तन में, किसी लोटे में या पूजा में जो कॉपर के बर्तन रखे जाते हैं वो कुछ दिनों बाद हरे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कॉपर की रिएक्शन एयर और CO2 से होकर ये मेलाकाइट का फॉर्मेशन कर लेता है, और मेलाकाइट का कलर इंग्लिश में हरा और हिंदी में ग्रीन होता है। लेकिन अगर वो रिएक्शन लगातार चलती रहे और हम उसको साफ नहीं करें तो वो ब्लू कलर में बदल जाए। अब एजुराइड बन गया। अब नीट में मेटलर्जी तो हटा दी, पर देखो मेटलर्जी का ये वाला पार्ट इलेक्ट्रो में इंक्लूड हो गया, तो इफेक्टिवली मेटलर्जी नहीं हटी है, सिर्फ अब हम टुकड़े टुकड़ों में पड़ेंगे। दूसरा, अगर हम आयरन को बरसात में देखें तो आयरन के ऊपर जंग लग जाती है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो आयरन की रस्टिंग में Fe2O3XH2O बन जाता है, जो रस्टिंग हो गई है। तो ये तीनों ही केमिकल कोरोजन है, क्लियर। तो ये है तीन केमिकल कोरोजन। ये 10th क्लास के लाइक क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही अगर हम डिस्कस करें। तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास। अब हम चलते हैं थोड़ी बड़ी क्लास कि कोरोजन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोरोजन जो डिपेंड करता है वो पहला फैक्टर है E0, ठीक है ना। E0 में और कोरोजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रेशियो। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी उसका कोरोजन पहले हो। तो जितना E0 रिडक्शन, यहां ऑक्सीडेशन नहीं लेना बच्चों, मैं किसी भी इलेक्ट्रो की क्लास में
किसी भी क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज नहीं करूंगा। तो ये पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर कहीं खाली ई नॉट सेल दिया हो तो आप कंफ्यूजन ना करें कि एक ऑक्सीडेशन है रिडक्शन। मैं हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करता हूं क्योंकि यही स्टैंडर्ड है। तो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा या जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी उसका कोरोजन जल्दी हो। एग्जाम्पल में मैं यहां लिख देता हूं जिंक और कॉपर क्योंकि इसकी वैल्यू से आप फैमिलियर हैं। तो जिंक और कॉपर में से किसका कोरोजन फास्ट होगा? जिंक और कॉपर में से जिंक का कोरोजन फास्ट होगा क्योंकि इसका ई नॉट सेल कम है रिडक्शन पोटेंशियल और ज्यादा रिएक्टिव। ये फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर है नेचर में CO2 या मॉइस्चर कितनी है। तो जिन शहर में फैक्ट्री ज्यादा होती है वहां चीजें जल्दी खराब होती है। तो जैसे मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जहां पर यमुना के, दिल्ली में यमुना की वजह से मॉइस्चर है और फैक्ट्री की वजह से CO2 है, तो वहां आयरन की रस्टिंग या सिल्वर वगैरह की रस्टिंग फास्ट हो जाए। तीसरा है सॉल्ट इन वाटर कि वाटर में कितने सॉल्ट है, और इसको हम सेलाइन वाटर भी कह सकते हैं, खारा पानी। तो जिन शहर में खारा पानी है जहां पर फ्लोराइड ज्यादा है, जैसे जहां मैं रहता हूं वहां फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, तो बहुत जल्दी ही आयरन के आर्टिकल खराब हो जाते हैं, इवन प्लास्टिक की पाइपलाइन भी चौक हो जाती। तो अगर सॉल्ट ज्यादा है तो रस्टिंग बढ़ जाएगी। जैसे भरतपुर का पानी बहुत खारा है तो वहां कूलर बहुत जल्दी गल जाएगा, वहां की कारों की नीचे की बॉडी जल्दी गल जाएगी। मुंबई में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो मुंबई की गाड़ियों के, कार के फर्श बहुत जल्दी गल जाते हैं। लेकिन अगर हम राजस्थान की गाड़ियों की बात करें, क्योंकि राजस्थान की गाड़ियों में मॉइस्चर, राजस्थान में मॉइस्चर बहुत कम है, तो अगर हम राजस्थान से पुरानी गाड़ी खरीदेंगे तो राजस्थान की गाड़ी का फर्श या कार का फर्श, ट्रक का फर्श जल्दी से खराब नहीं होगा। नेक्स्ट है फोर्थ फैक्टर, इम्प्योरिटीज। जब तक किसी मेटल में कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी उसका कोरोजन नहीं होता है। इम्प्योरिटीज के मिलाने के बाद ही कोरोजन होता है, और कोई भी मेटल प्योर नहीं होती है इसलिए कोरोजन हो जाता है। तो इम्प्योरिटीज से भी कोरोजन फास्ट हो जाता है क्योंकि इम्प्योरिटीज या तो ज्यादा रिएक्टिव होगी या कम होगी, दोनों ही केसेस में एनोड और कैथोड का सेटअप हो जाएगा, और एनोड और कैथोड का सेटअप होने से उसमें कोरोजन फास्ट हो जाए। यहां पे हम एक मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं जो रस्टिंग की मैकेनिज्म को समझाएगी। आयरन की रस्टिंग और आयरन का कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का मीन्स है उसमें इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होगा और नए कंपाउंड भी बनेंगे। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन में क्या होगा कि अगर आयरन का कोई सरफेस अनइवन है, एक पार्ट उठा हुआ है और एक पार्ट गड्ढे में, तो बरसात के टाइम पे बरसात होगी, और अगर एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा है तो H2 और CO2 आपस में इस गड्ढे में मिलेंगे। तो यहां पर जो गड्ढा है उसमें H2 और CO2 की प्रेम कहानी डेवलप होगी, दोनों के प्रेम कहानी से एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होता है H2CO3। दोनों का कंपाउंड तो बन गया पर ये प्रेम कहानी ज्यादा दिन नहीं चलती, और जल्दी ही H2CO3 ब्रेक होकर H+ और HCO3 बाइकार्बोनेट आयन बना देता, और दोनों की प्रेम कहानी से कौन प्रोड्यूस हुआ? प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ, और प्रोटॉन हाईली रिएक्टिव होता है, ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता।
अब इसको क्या चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और एटम में कन्वर्ट हो जाता है। अब एटम तो तुम जानते ही, और भी रिएक्टिव होता है, तो ये एटम क्या करता है, एयर से रिएक्ट करता है और एयर से रिएक्ट करके H2O बना लेता है और कैथोड की रिएक्शन फिनिश हो गई। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इसने फ्री इलेक्ट्रॉन लिया है, तो वो इफेक्ट यहां आएगा, फिर यहां से यहां और फिर ऊपर पहुंच जाएगा बिल्कुल एलिवेटेड सरफेस पर आयरन के, और वहां पर जो आयरन है उसका Fe+2 में ऑक्सीडेशन, और जो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आयरन के ऑक्सीडेशन से, वो जो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो आयरन की जो ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई थी उसको पूरा करेगी। अब जो Fe+2 बन गया वो भी अनस्टेबल है एयर में, वो मॉइस्चर से और O2 से रिएक्ट कर, तो हमने Fe+2 की रिएक्शन कराई एयर प्लस मॉइस्चर से और दोनों की रिएक्शन से बन गया Fe2O3, और Fe2O3 एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रोड्यूस थी उससे फिर रिएक्ट किया, यहां पर +4H+ और बने। तो देखो यहां पर 2H+ बने थे, मतलब इसको मैं बैलेंस करने के लिए 2 कर लेता तभी H2 बनेगा ना। तो जब 2H से बने थे रिएक्शन आगे बढ़ी तो आप कितना हो गया, 4H+ बन गए, मतलब 2 से 4, अब 4 से 8 और 8 से 16। तो अगर एक बार कोरोजन शुरू हो गया तो फिर वो बढ़ता जाएगा और एंड में ये रस्ट बन जाएगी। तो क्वेश्चन यहां पे ये क्रिएट हुआ कि आखिर कोरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, रेस्पॉन्सिबल है ये प्रोटॉन। इस प्रोटॉन ने मेटल से इलेक्ट्रॉन लिया था, इस एसिड ने इलेक्ट्रॉन लिया था और इसी ने कोरोजन को आगे बढ़ाया, फिर 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 8 से 16। तो अगर हम कोरोजन को रोकना चाहते हैं तो हमें ये भस्मासुर हो गया, बनता जाएगा भस्म करता जाए, इस H+ को रोकना पड़ेगा, H+ को रोकना पड़ेगा। अगर हम H+ को रोक दें तो रस्टिंग की शुरुआत ही नहीं होगी। तो भैया फिर रोक कैसे सकते हैं, रोकने का पहला तरीका है डेंटिंग और पेंटिंग। इसलिए कार को हम पहले डेंट कराते हैं फिर पेंट कराते हैं। डेंट कराने से ये जो गड्ढा था वो खत्म हो जाएगा, तो यहां पर पानी रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं तो दोनों की प्रेम कहानी CO2 के साथ चलेगी नहीं, और चलेगी नहीं तो प्रेम कहानी से H+ प्रोड्यूस भी नहीं होगा, और प्रोड्यूस नहीं होगा तो आगे की कहानी खत्म। पर मान लो कि गड्ढा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हम सब जगह की डेंटिंग और पेंटिंग नहीं करा सकते, कहीं ना कहीं आयरन पर कुछ ना कुछ रुक जाएगा, तो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, हम आयरन के ऊपर बेसिक पेंट कर देंगे जिसको हम कहते हैं रेड ऑक्साइड। तो हमने देखा होगा जब आयरन के नए आर्टिकल्स बन के आते हैं तो उसके ऊपर रेड ऑक्साइड या रेड कलर का पेंट कर देते हैं, वो बेसिक पेंट होता है। जैसे ही H+ प्रेम कहानी से प्रोड्यूस होगा बेसिक सॉल्यूशन में OH होगा जो इस H+ को पकड़ेगा और H2 में बदल के समाप्त कर देगा, रस्टिंग की शुरुआत ही नहीं हो। दूसरा तरीका यह है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर पुलिस वाले रोड पर लगाकर खड़े रहते हैं, बैरियर का मतलब है रोकना। तो हम आयरन की सरफेस पर ऑयल लगा देंगे, ऑयल से वाटर और वाटर का और CO2 का आयरन के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाए, या ग्रीस लगा देंगे या पेंट लगा देंगे। नॉर्मली ये पेपर में नहीं आता है, नॉर्मली ये पेपर में नहीं आता है कि ग्रीस लगाकर, ऑयल लगाकर या पेंट लगा,
अगर पेंट उखड़ गया तो फिर दोनों की रिएक्शन हो जाएगी। तो इसकी बजाय हम एक दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन को हिंदी में कहते हैं बलिदान विधि। हिंदी के नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई मेटल किसी को बचाने के लिए, हिंदी के नाम से समझ आ रहा है कि कोई मेटल किसी को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दे। ठीक है, तो इस विधि में एक मेटल दूसरे मेटल को बचाने के लिए अपना बलिदान दे। अब जिस मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग अच्छी रहती है, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल उस मेटल से ज्यादा अच्छा होगा वो उसकी कोरोजन को जल्दी रोके। अगर हाँ, ऐसा नहीं है कि लेस रिएक्टिव नहीं तो रोकेगा, वो रोकेगा तो सही, पर देखना मैं भी समझाऊंगा कि उससे क्या लोचा हो सकता है। तो हमारे पास आयरन को रोकना है और आयरन का पोटेंशियल है -0.44। तो हम इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल या कम रिएक्टिव लेंगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख। तो मैं ए प्रोसेस ले रहा हूं और जिसमें हम जिंक की कोटिंग करेंगे। जिंक की कोटिंग का नाम होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल इतने वोल्ट। तो मैंने क्या किया, आयरन के ऊपर ये जिंक की कोटिंग कर दी। अब आयरन का कांटेक्ट एयर वाटर CO2 से हट गया। अब जो भी कुछ होगा वो जिंक का होगा। जिंक यहां पर मेटल को बचाता रहेगा और जब ये कोटिंग टूट जाएगी तब मैं नई पेंटिंग करा दूंगा, तो मेटल के ऊपर फिर से पेंट करा दूंगा। लेकिन अब कुछ लोगों को बहुत कुचड़ होती है। कुचड़ का मतलब कुछ लोग बैठे बैठे चाबी लेकर किसी भी चीज को खुरेदते रहते। तो कोई बदमाश बच्चा आया जिसको बहुत कुचड़ है, वो कुचड़ करेगा और अपनी की से हो सकता है जिंक की कोटिंग को ब्रेक कर गया और कार पे स्क्रैच मार दिया। अब देखो, स्क्रैच मारने से जिंक की कोटिंग टूट गई और आयरन एयर के कांटेक्ट में आ गया। अब अगर आयरन एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा Fe+2। लेकिन उसी समय क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक आयरन को बचाने के लिए अपना बलिदान दे देगा। तो आयरन तो Fe में कन्वर्ट हो गया और Zn+2 बन गया। तो जिंक की कोटिंग टूटने से पहले और टूटने के बाद भी आयरन की रक्षा करती है, कोरोजन को प्रिवेंट कर, मतलब अच्छी है। अब कोई बोला नहीं भैया मैं तो टिन की कोटिंग लगाऊंगा। टिन की कोटिंग को अंग्रेजी में टाइनिंग और हिंदी में कलई लगना कहते हैं और इसका पोटेंशियल 0.04 वोल्ट, मतलब आयरन से कम, मतलब टिन लेस रिएक्टिव है। तो अब मैंने टिन की कोटिंग कर दी आयरन के ऊपर। आयरन का कांटेक्ट एयर से वाटर से टूट गया। अब जो भी कुछ होगा वो टिन झेलेगा। लेकिन अगर टिन की कोटिंग टूट गई, कोई बच्चा आया जिसको कुचड़ है वो जाएगा और अपनी चाबी से या किसी नुकीली चीज से कोटिंग को ब्रेक कर देगा। जब कोटिंग को ब्रेक कर देगा तो अब दोनों ही एयर के कांटेक्ट में है, अब उल्टा होने लगेगा क्योंकि टिन लेस रिएक्टिव है। तो जो Tin+2 बना था वही आयरन को ऑक्सीडाइज भी करने लगेगा और टिन खुद उसमें कन्वर्ट। तो टिन की कोटिंग तब तक बेहतर है जब तक कोटिंग नहीं टूटे। अगर कोटिंग टूट गई तो आयरन की रस्टिंग फास्ट हो जाएगी। तो जहां पर कोटिंग के ब्रेक होने का खतरा है, मतलब अर्थ के ऊपर, वहां तो हम जिंक की कोटिंग लगाएंगे। और कोई चीज अगर मिट्टी के अंदर दबानी है जहां कोई चांस नहीं है कि कोई आएगा और चाबी से खुर्चेगा, तो
तो टिन की कोटिंग बेटर है, लेकिन जर्नल में अगर पूछे किसकी कोटिंग बेटर है तो गैल्वेनाइजेशन टाइनिंग से या टिन की कोटिंग से बेहतर है, क्योंकि जिंक टूटने से पहले और टूटने के बाद तक रस्टिंग को रोकता है, पर कभी ना कभी तो टिन खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी तो टिन की कोटिंग गल जाएगी रिएक्ट करके। तो अगर ऐसे केस में कहीं अंडरग्राउंड ऑब्जेक्ट को हम प्रिवेंट करना है कोरोजन से, जैसे ईरान से एक पाइपलाइन आ रही है भारत में ऑयल की, और वो कई कंट्री से होकर गुजरती है, तो वो पाकिस्तान से भी आती है और अफगानिस्तान से भी निकलती है। तो अब रोज रोज जाकर हम पाकिस्तान में पेंटिंग और डेंटिंग तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, वहां किसी फर्म को ठेका दे देते, और इस प्रोसेस को कहते हैं कैथोडिक प्रोडक्शन। इस कैथोडिक प्रोडक्शन से पहले हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि कोरोजन हमेशा एनोड पर ही होता है, जिस मेटल को हमें कोरोजन से रोकना है, जिसको हमें कोरोजन से रोकना है उसको कैथोड बना दो। कैसे बनाओ, ज्यादा रिएक्टिव मेटल से जोड़ दो, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव मेटल हमेशा एनोड का काम करती। तो जो पाइपलाइन ईरान से इंडिया आ रही है, हमने उसकी जगह जगह मैग्नीशियम की प्लेटें लगा और वहां किसी लोकल कंपनी को उसका ठेका दे। अब क्या होगा, जैसे ही पाइप अंदर है, जमीन के अंदर अगर किसी भी वजह से आयरन प्लस टू में बदला, उसी समय मैग्नीशियम ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन भेजेगा और वो वापस से उसको इसमें बदल देगा और खुद एमजी प्लस टू में बदल जाए। धीमे धीमे टाइम के साथ में मैग्नीशियम की प्लेट समाप्त हो जाएगी, तो हम नई मैग्नीशियम की प्लेट को लगा देंगे और अंडरग्राउंड पानी की लाइन, पाइपलाइन, आयरन के पाइप प्रोटेक्ट रहेगी। तो अगर किसी को बहुत लॉन्ग टाइम तक करना है तो हम उसको कैथोडिक प्रोटेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम उस मेटल को ज्यादा रिएक्टिव मेटल से जोड़कर आयरन का कैथोड बना लेते हैं, जिससे आगे कोरोजन रुक जाता है। तो कोरोजन का नेक्स्ट मेथड था हमारा क्या, कैथोडिक प्रोटेक्शन। और जो इंपॉर्टेंट, अब कुछ छोटी छोटी सी बात, अगला ये है कि एल्यूमिनियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, फिर भी एल्यूमिनियम से ही पानी के जहाज बनाते, जबकि एल्यूमिनियम पानी के अंदर जब सी में चलता है तो वहां तो सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो भैया सिप बहुत जल्दी डूब जाएगा। पर इससे बचने का एक तरीका निकाला गया कि ये खुद ही अपना कोरोजन रोक लेता है। एल्यूमिनियम शुरू में तो पानी से रिएक्ट करता है और एयर से पानी से रिएक्ट करके अपने सरफेस पर Al2O3 की लेयर बना लेता है। जैसे ही लेयर बनी, अब कोरोजन नहीं होगा। तो अगर हमारे घर में एल्यूमिनियम के कंटेनर है तो उनको पत्थर से किसी चीज से रगड़ते नहीं है, क्योंकि अगर हम रगड़ेंगे तो उसके ऊपर से Al2O3 की कोटिंग निकल जाएगी। Al2O3 की कोटिंग अगर निकल गई, ठीक है ना, तो फिर से बनेगी और धीमे धीमे एल्यूमिनियम कम हो जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का यूज एरोप्लेन और शिप बनाने में इसलिए करते हैं कि एल्यूमिनियम अपना कोरोजन खुद ही रोक लेता है। अब एक लास्ट में, आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम जैसी मेटल को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या स्टीम के साथ में रिएक्ट कराते, सुपर हीटेड स्टीम के साथ, तो इनके सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती,
और ऑक्साइड की लेयर चढ़ने के बाद में ये मेटल पैसिव मतलब अनरिएक्टिव मतलब अक्रियाशील हो जाती है। ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन भी है। तो आयरन एल्यूमिनियम क्रोमियम स्टीम या सांद्र अम्ल या सांद्र क्रोमिक अम्ल के साथ में निष्क्रिय हो जाती है, अनरिएक्टिव हो जाती है, क्योंकि इनके सरफेस पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। इस तरह हम जैसे नई कार होती है, नई कार आयरन की मेटल से स्टील से बनी होती है, उसको इसी केज हार्डनिंग प्रोसेस से उसका कोरोजन प्रिवेंट करते हैं। इसलिए नई कार में कई सालों तक जंग नहीं लगती है, क्योंकि उसकी पूरी सरफेस पर ऑक्साइड की या कार्बन की परत लगा देते हैं। इस तरह हम किसी भी मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये थी कोरोजन की छोटी सुंदर सी कहानी। क्लियर? एक बार नीट में क्वेश्चन आया कि Fe+2 और Fe और Fe+3 और Fe काफी टाइम तक रखने से किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया आयरन की +2 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है, ठीक है ना। आयरन की +2 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होती है क्योंकि इसका पोटेंशियल इतना है और इसका पोटेंशियल इतना। तो ये आयरन, और ये भी आपको बता चुका हूं कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्टेंट स्टेबल होगा, और ये है तो ये स्टेबल होगा, ठीक है ना। इसको भी मैं +2 कर देता हूं। तो देखो Fe भी Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और Fe+3 भी Fe+2 में स्टेबल हो जाएगा। तो Fe+2 का रेशियो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि Fe+2 ज्यादा स्टेबल है तो 3V2 में बदलेगी और आयरन भी 2 में बदलेगी, तो अल्टीमेट +2 का अमाउंट बढ़ जाए। ये हमारी थी क्या कोरोजन की कहानी। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक बचे हैं वो टॉपिक है एक तो कॉमर्शियल बैटरी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एटसेट्रा, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबल कल होगी, और कल उस क्लास की टाइमिंग होगी 10:00। तो कल गुरु नानक जयंती को हम फिर से पढ़ेंगे 10 AM।